चार का चार से गुना किया चार
बाद में फिर माइनस करते थे तो माइनस कर दोगे। 13 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 7। पहले इसमें क्या करते नॉर्मल बाद में क्या करते होते हैं, एक संख्या उतार देते हैं, इसमें क्या करोगे आप पूरे का पूरा जोड़ा उतार दे, कितना आ गया 704। इसमें नई चीज ऐड है, जिससे अपने गुणा किया है उसे को क्या करोगे जोड़ेंगे, 4 और 4 कितना हो गया 8, यहाँ तक हो गया ठीक है। उसके बाद देखो 8 आ गया 704। अब जिस संख्या को गुणा देखना है किस संख्या में भाग रहेगा, तो जिस संख्या से गुणा करोगे जैसे 81 का किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नई संख्या कौन सी है 1 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करके देखोगे 1 से, दोनों ऊपर नीचे की संख्या क्या होगी सेम ही रहेगी। 81 है, 81 1 से मल्टीप्लाई किया 81, ऐसे चेक करते करते देखा कि 88, जब 88 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है आपके पास 704 आता है। तो क्या किया इससे मल्टीप्लाई किया 8 से, 88 को जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा आपके पास 704, और ये क्या आ जाएगा खत्म, जो आपका ये होगा भागफल वही क्या होगा आपका वर्गमूल होगा, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सेम तरीका है, कुछ भी नहीं है, कितना दिया है 44489 करो रे वो गलत भूट हो क्या, देखो तुम्हारे 1 की स्केल 1 2 की स्केल 4 फटाफट लिख दिया करो रख के लिए, 3 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 फटाफट लिख दिया करो ऐसे ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है भाग विधि से करना है ना, तो सबसे पहले अपना क्या रूल था, क्या करोगे आप सबसे पहले जोड़े बनाओगे, बनाओ ये जोड़ा बन गया, फिर ये जोड़ा बन गया, जोड़े बन गए हैं इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्या करना है, कितना ही है बस 44 44 वर्गमूल होता है क्या किसी का, देखो बड़ा नहीं होता, तो 44 से जस्ट छोटी संख्या कितनी है 36 है, किसी का होता है 6 का होता है, 6 का कितना होता है 36 होते हैं, तो 6 का लिखा है यहाँ पे कितना आ गया। उसके बाद आपका क्या रूल था, जितना आया उसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4 में से 6 गया कितना होता है 8 8 6 14 यहाँ पे कितना बचा 3 3 में से 3 गया 0 खत्म हो गया, ये कितना रह गया 89 यानी 89 क्या करेंगे पूरे का पूरा उतार लेंगे क्योंकि पूरा जोड़ा उतार है उधार। उसके बाद क्या करते थे 6 और 6 क्या करोगे आप जोड़ोगे, 6 और 6 क्या किया जोड़ा कितना आ गया 12, जैसे 12 आएगा इसके बाद आप क्या करोगे करो कर करके देखो किससे होगा, अपने को पता है 1 का गुणा करेंगे 121 121 बन जाएगा, 121 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 121, उसको छोड़ दो 2 से करेंगे 2 2 नहीं 4 2 3 4 2 1 2 कितना आ रहा है 244 नहीं होगा, फिर 122 का 123 ऊपर जो संख्या रहेगी नीचे भी वही रहेगी ना, 3 3 9 3 2 6 3 1 3 ये भी क्या हो रहा है कैंसिल हो गया। अब क्या करो 123 का 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 3 12 4 2 8 9 4 1 4 ये भी खत्म हो गया, फिर देखो 100 यहाँ पे 4 से करना था ना, 4 6 16 4 2 8 9 4 1 4 फिर भी नहीं हो रहा। अब 125 का किससे करोगे 5 से करोगे, 5 5 25 5 2 10 2 12 5 1 5 और 1 6 कितना आ गया 625 ये भी नहीं हो रहा, फिर 125 का 6 से मल्टीप्लाई 126 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 में 36 6 2 12 12 और 3 15 का 5 आंसर है 6 1 6 और 1 7 कितना हो गया 756 ये भी नहीं हो रहा, 127 का 7 से 7 7 49 7 2 14 14 और 4 18 आंसर 1 7 1 7 और 1 8 कितने में जाएगा कितने में जाएगा 7 पे, यहाँ पे 7 लिखा यहाँ पे भी 7 कितना आ गया 889 तो क्या हो जाएगा पूरा बढ़ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 67। आप भी देखा करो पहले इतना गुणा करते हो बहुत लंबा बढ़ जाते से बैठे, देखो कितनी संख्या अपने पास 9 है, लास्ट की संख्या कितनी है 9, तो इसमें देखो किस पे आ रहा है 9, किसका वर्गमूल है 9, एक तो किसका इकाई अंक बन रहा है 3 का बन रहा है, एक और किसका है 7 का, यानी क्या हो जाता है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो या 9 से मल्टीप्लाई, इन दोनों में से हो जाएगा देखो अपने
सात से मल्टीप्लाई जैसे किया आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप करके देख लेना, ठीक है। अपने नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में, इसको आप क्या करोगे बार बार करके देखना, ठीक है।